डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एब्रीवेशंस इन बैंकिंग पढ़ेंगे। कुछ हमने टर्म्स अभी तक कर लिए हैं, कुछ हमने करने हैं अभी। तो ये 60-70 एब्रीवेशंस है, जो कि आप अगर रट लेंगे तो कम से कम, नहीं तो 5 मार्क्स का आपका पेपर पक्का हो सकता है। क्योंकि देखो, एब्रीवेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो वो भी आप इस अभी समझ सकते हैं। और एब्रीवेशन को अगर करना, मतलब उसका फुल फॉर्म याद रहेगा तो वो भी आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। TDR, फुल फॉर्मेट टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। जो आप FD बनाते हैं ना बैंक में, तो उसका वैसे ओरिजिनल नाम होता है TDR करके, STDR भी बोलते हैं। STDR का फुल फॉर्म है स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप FDR बोल देते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, वो उसी के ही टर्म्स हैं ये दोनों, STDR और TDR करके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे CBLO। इसकी फुल फॉर्म है कोलेटरल्स बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन। ये बेसिकली जब बैंक टू बैंक लैंडिंग होती है तो उस वहाँ पे काम आता है CBLO। ठीक है, CLTD कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट, कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जैसे आप 10,000 रुपये से ऊपर जो भी आपकी अर्निंग होती है इंटरेस्ट की, तो वो उसमें कुछ इंटरेस्ट पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, TDS कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे टर्म है फेरा और एक है टर्म फेमा। देखो ये पहले फेमा जो है पहले कहलाता था फेरा। इसके में क्या होता था कि अगर आपने कुछ वायलेशन कर दी है फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स वगैरह में, तो इट वॉज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। लेकिन इसमें कोई फेमा के आने के बाद कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं माना जाता है, फाइन पड़ता है, दैट्स ऑल। जैसे फाइन इन द सेंस कि मान लो आप फॉरेन करेंसी एक लिमिट से ज़्यादा रखेंगे अपने घर में और वो पकड़ा गया है, तो इट इज़ अ पहले क्रिमिनल ऑफेंस होता था, अब कुछ नहीं है, अब फाइन पड़ेगा, ये है, अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता उस चीज़ को। हो सकता है आप बाहर से आए हैं, आप गलती से अपने कपड़ों में बीच में बहुत सारे पैसा लेके आ गए, एयरपोर्ट पर चेक होता है उस टाइम नहीं चेक हो पाया, या कोई भी रीज़न रहा, क्या पता आपने ही चालाकी करी हो, तो वो पहले क्रिमिनल ऑफेंस होता था, अब नहीं है, अब कुछ पेनल्टी पड़ती है। तो फेरा की फुल फॉर्म देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और फेमा की है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आर की जगह एम आ गया, आर में रेगुलेशन था और एम में मैनेजमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टर्म देखेंगे RFC, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक खुलता है RFCD अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट। इन सब के बीच में जो डिफरेंस है ना, जैसे NRE अकाउंट, NRO, FCNR और RFC RFCD, एक मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें कि आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं पैन। पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। टैन, टैन का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर और टैन का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे GSTN। GSTN नंबर क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये अभी GST को लागू हुए थोड़ा टाइम ही हुआ है, तो इसमें एक अलग से नंबर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें क्या होता है कि पैन नंबर बीच में होगा और कुछ डिजिट इसके आगे पीछे होती है, तो GSTN का ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कितने डिजिट्स का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया है कि पैन में कितने डिजिट्स होते हैं, तो ये आप मेरे को लिख फाइंड करके और कमेंट में लिखेंगे इस वीडियो के।